हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब बच्चे? तो देखिए, आपको याद दिला देते हैं, हम चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप और एडमिशन ऑफ पार्टनर। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, और आप पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेशोस के बारे में बताया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बताया था, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। और आज हम करने जा रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में, कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको सीखेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशो। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे मैंने न्यू रेशो से रिलेटेड, काफी बच्चों ने करके दिखाए हैं, सही है सबके आंसर मैक्सिमम। तो देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले मतलब पढ़ेंगे इसका। रेशो इन विच पार्टनर्स सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। कहता वो रेशो, वो अनुपात जिसमें पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से में से नए पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। पुराने पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा नए पार्टनर को देते हैं, उस जिस रेशो में देते हैं, जिस अनुपात में देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो। जी सर। तो देखिए बेटा, रेशो इन विच पार्टनर्स सैक्रिफाइस, जिस रेशो में पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं? नए पार्टनर के लिए। तो जिस रेशो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अच्छा, इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। और ये कैसे कैलकुलेट होता है सर, इसका फॉर्मूला क्या है? बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से अगर आप न्यू शेयर को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। जी सर। अच्छा, एक बात और, जो नए पार्टनर को हिस्सा देंगे, अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे पुराने पार्टनर्स, हो सकता है वो सारे पार्टनर्स मिलके दे दें। न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हो सकता है सारे पार्टनर्स मिलके अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा नए पार्टनर को दे दें। और ऐसा भी हो सकता है कि न्यू पार्टनर को जो हिस्सा दिया जाएगा वो कौन देगा? सिर्फ कोई एक पार्टनर देगा। तो देखिए, दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, कि जो नए पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, हो सकता है सारे पार्टनर्स अपने हिस्से में से दें, थोड़ा थोड़ा सारे पार्टनर्स अपने हिस्से में से देंगे, या फिर हो सकता है कि सिर्फ एक ही पार्टनर दे। जी सर। सर, इसका क्वेश्चन करवा दीजिए। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं आपस में 21:9 में। मतलब 21 और 9 को दोनों को प्लस करोगे तो 30 होगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट को ये 30 हिस्सों में बांटेंगे। ए और बी ने डिसाइड किया कि टोटल प्रॉफिट को 30 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें से 21 हिस्से ए रखेगा और 9 हिस्से बी रखेगा। जी सर। फिर इसके बाद देखिए, सी एडमिट हुआ नया पार्टनर, उसको 9/21 शेयर दिया जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट्स में। नया पार्टनर सी आया है यहाँ पे, और सी को प्रॉफिट में 9/21 हिस्सा दिया जाएगा। और 9/21 कौन देगा इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो इसका मतलब ए और बी ही देंगे अपनी आपस की रेशो में। जी सर। हमें क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है पार्टनर्स के बीच में। जी सर, इस क्वेश्चन को करवा दीजिए। जी बेटा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन नंबर 9, ओल्ड रेशो हमें दे रखा है ए और बी का, दैट इज 21:9, यानी कि टोटल प्रॉफिट को 30 हिस्सों में बांटेंगे, 21 हिस्से ए रखेगा और 9 हिस्से बी रखेगा। जी सर। सी नया पार्टनर आया, सी इज न्यू शेयर, सी 9/21 शेयर के लिए आया है। अच्छा, तो देखिए, सी जो नया पार्टनर 9/21 शेयर के लिए आया है, इस सिचुएशन में आप क्या मान के चलेंगे? लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1, हम मान के चलते हैं कि टोटल शेयर फर्म का 1 होगा। तीनों पार्टनर्स का अगर प्रॉफिट मैं देखूं तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1, हम मान के चल रहे हैं। तो सर, अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 1 में से मैं नए वाले पार्टनर का हिस्सा माइनस कर देता हूं तो बाकी जो बचेगा, डेट इज 12/21, ये प्रॉफिट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये किसके लिए बचेगा सर? ये बेटा ए और बी के लिए बचेगा। देखिए,
आपको फिर से बता देते हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया था कि टोटल प्रॉफिट को 30 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 21 हिस्से ए रखेगा और 9 हिस्से बी रखेगा। अब नया पार्टनर एडमिट हुआ पार्टनरशिप फर्म में 9/21 शेयर के लिए, तो इस सिचुएशन में हम मान के चलते हैं कि टोटल शेयर फर्म का 1 है, 1 में से 1 टोटल शेयर यानी तीनों का शेयर मैं मान के चलता हूं 1 है, और 1 में से अगर मैं सी का हिस्सा हटा देता हूं तो बाकी जो हिस्सा बचता है वो किसका बचेगा, ए और बी का। तो ए और बी ने जैसे पहले डिसाइड किया था इस रिमेनिंग शेयर को वो आपस में बांट लेंगे। जी सर, तो सर 12/21 को इनके आपस की रेशो में हम बांट देते हैं। तो देखिए ए इज न्यू शेयर, 12/21 रिमेनिंग शेयर था, ए में बांटेंगे तो ए में कितना आएगा 21/30, ए इसका 30 हिस्सों में इसको बांटेंगे, 21 हिस्से ए रखेगा। सर बी इज न्यू शेयर, 12/21 जो रिमेनिंग शेयर बचा था उसमें 9/30 बी को मिल जाएगा, यानी कि टोटल शेयर हमने 1 माना था, 1 में से नए वाले पार्टनर का हिस्सा हटा दिया हमने, तो बाकी जो बचा वो ए और बी आपस में बांट लेंगे। और कैसे बांटेंगे, जैसा उन्होंने डिसाइड किया था 21/30 ए रखेगा और 9/30 बी रखेगा। तो सर इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ए का आ जाएगा न्यू शेयर 12/30, और बी का अगर कैलकुलेट करते हैं सर 3 के टेबल से इसको काटेंगे और 3 7 12/70, बी का न्यू शेयर आ जाएगा 12/70। अच्छा सी का न्यू शेयर तो हमें दे रखा है सर, सर सी का न्यू शेयर तो 9/21 दे रखा है हमें, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाना चाहते हैं तीनों पार्टनर्स के बीच में, तो तीनों के बेस सेम होना जरूरी है, तभी आप रेशो बना पाएंगे, अदरवाइज आप रेशो नहीं बना पाएंगे। जी सर, तो सर बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसके नीचे 30 है और इसके नीचे 70 है, इसके नीचे 20, तो 210 यानी कि 210 सबके नीचे ले आते हैं, तो इसको मैं 7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए इसको 7 से कर दीजिए तो अपने पास आ जाएगा 84/210, इसको 3 से कर दीजिए तो 36/210, इसको सर 10 से कर देंगे तो 90/210, ठीक है। और जैसे भी आपको लगता है, मैंने तो यहाँ पे 210 लिया, जो भी आपको लगता है कि तीनों के बेस सेम हो सकते हैं आप वो फिगर यहाँ पे ले सकते हैं। जी सर, तो अब सर तीनों के बेस सेम हो गए हैं तो अब रेशो बना सकते हैं। तो ए का शेयर कितना हो गया सर 84, सर बी का कितना होगा 36 और सी का कितना होगा 90, तो अब इनके बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा सर। जी सर, तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी दैट इज 84, 36 और 90। सर इसको और छोटा करेंगे 3 के टेबल से इसको अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 2 6 3 8 24 12 और 3 3। सर ये 2 के टेबल से और कट जाएगा तो 14 6 और 10, 14 6 और 15, ये आ गया सर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यानी कि ए बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा 14 6 और 15, इनका टोटल करोगे तो 35 होगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट को 35 हिस्सों में 35 हिस्सों में बांटेंगे, 14 हिस्से इसमें से ए रखेगा, 6 हिस्से बी रखेगा और 15 हिस्से सी रखेगा, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे सर, सैक्रिफाइसिंग शेयर पहले ए का निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर अगर माइनस कर देंगे तो सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाएगा। तो सर ओल्ड कितना था ए का, बेटा ओल्ड तो 21/30 था और न्यू कितना था सर ए का 14/35। जी सर, सर अब इनके बेस सेम कर देते हैं हम, सॉरी बेस नहीं, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे 210 इसको 7 से कर दीजिए 147
माइनस इसको 6 से कर देंगे 84। सॉल्व करेंगे 147 माइनस 84 डेट इज 63, 63 अपॉन 200। जी सर, इसी प्रकार आप बी का निकालेंगे, बी इज सेक्रीफाइसिंग शेयर। सर बी का ओल्ड कितना था बेटा, 9/30 था, और बी का न्यू शेयर कितना था, डेट इज 6/35। इसका भी एलसीएम 210 आएगा, इसको आप 7 से कीजिए 63, इसको आप 6 से कीजिए डेट इज 36, तो 27 अपॉन 210। तो देखिए 63 अपॉन 210, 27 अपॉन 210, इनके बेस सेम है तो रेशो बन जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा बेटा वो तो कितना आएगा सर, 63:27 होगा, 21 होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 27 ही आएगा। 63 माइनस 36, 27, इसको अगर काटेंगे तो देखिए 63 और 27 का अगर रेशो बनाते हैं आप तो 7:3, लाइन के टेबल्स इसको काट देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा, ए और बी का 7:3। यानी कि जो नया पार्टनर आया है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, टोटल देखो उन्होंने 10 हिस्सों में सेक्रीफाइस किया, 7 हिस्से ए ने दिए हैं और 3 हिस्से बी ने दिए हैं नए पार्टनर को। जी सर, तो इस प्रकार आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करना था और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करना था। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो देखिए सिंपल सी बात है, दो पार्टनर्स थे ए और बी, दोनों ने डिसाइड किया था कि टोटल प्रॉफिट को 30 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 21 हिस्से ए रखेगा, 9 हिस्से बी रखेगा, ये उनके बीच में पहले से डिसाइड हो रखा था। नया पार्टनर आया 9/21 शेयर के लिए, तो इस सिचुएशन में हमने क्या माना कि टोटल शेयर फर्म का 1 है, 1 में से 1 तीनों का शेयर हो गया, तो 1 में से मैंने सी का शेयर हटा दिया तो बाकी जो शेयर बचा वो ए और बी के लिए बचा, रिमेनिंग शेयर कितना बचा 12/21। तो 12/21 को ए और बी ने जो डिसाइड किया था उस रेशो में उन्होंने बांट लिया, तो ए का शेयर आया था 84, ए का जो भी न्यू शेयर आया था 12/30 आया था और बी का 12/70 आया था और सी का हमें दे रखा था 9/21। इनके बेस सेम किए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया हमारे पास 14:6:15। फिर ओल्ड शेयर में से, यानी कि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गए दोनों पार्टनर्स के, ठीक है, जो कि 7:3 है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आइए समझते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन है। देखिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3:2 में, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया है कि टोटल प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से ए रखेगा, 2 हिस्से बी रखेगा। ए न्यू पार्टनर सी वाज एडमिटेड, सी को, सी नया पार्टनर है, एडमिट हुआ। ए सरेंडर्स 1/5, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। ए ने अपने हिस्से में से, बेटा देखिए क्या बोला, ए सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, ए ने अपने हिस्से का 1/5 शेयर सी को दे दिया। अच्छा, बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, और बी ने अपने शेयर का 2/5 हिस्सा सी को दे दिया। अच्छा, तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है जी,
देखिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, इनका बेस सेम करना है तो आपके पास आ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 10, ओल्ड रेशियो ए और बी का हमें दे रखा है 3:2, मतलब टोटल प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटेंगे, 3 हिस्से ए रखेगा, 2 हिस्से बी रखेगा। अच्छा सी का हमें शेयर नहीं दे रखा, लेकिन इतना बताया है कि ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, तो ए सेक्रीफाइजिंग शेयर इक्वल्स टू ए ने अपने शेयर का, अपना शेयर कितना है ए का 3/5, इसने अपने शेयर का 1/5, बेटा अपने शेयर का कितना 1/5 हिस्सा लिखा ना, सरेंडर 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट। तो ए का अपना शेयर 3/5 है, इसने अपने शेयर का 1/5 हिस्सा दिया है, तो सर कितना हो गया ये 3/25, यानी ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/25 सी को दिया है। जी सर। अच्छा इसी प्रकार बीज सेक्रीफाइसिंग शेयर, बी ने अपने शेयर का, बी का शेयर था 2/5, इसने अपने शेयर का 2/5 हिस्सा दिया है। सर देख लीजिए एक बार, 2/5 भी दिया है। हाँ बिल्कुल बेटा, बी ने सरेंडर किया है 2/5 अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर। जी सर। तो 2/5 दिया है तो मतलब इसने कितना दिया है 4/25, यानी ए ने सेक्रीफाइस किया 3/25, बी ने सेक्रीफाइस किया 4/25। ये दोनों ने किसको दिया शेयर, सी को, यानी कि ए ने 3/25 शेयर दिया है और बी ने 4/25 शेयर दिया है, किसको, सी को। जी सर। तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमारा निकल गया ए और बी का, दोनों के बेस सेम है तो रेशियो बन जाएगा 3:4। बेस सेम नहीं होंगे तो पहले बेस सेम करना जरूरी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमने निकाल दिया, दैट इज 3:4 बिटवीन ए एंड बी, 3:4 में इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अच्छा सर न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, तो ए न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना था ए का, सर 3/5 था, माइनस न्यू शेयर सॉरी हमें तो न्यू शेयर निकालना ना, तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करेंगे बेटा। मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला बता दिया था, तो ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करेंगे तो न्यू आ जाएगा। तो सर सेक्रीफाइस कितना किया था, सर इसने किया था 3/25, शेयर लेंगे आप 3/25, तो 3/25 माइनस कर देंगे तो ए के पास कितना बचेगा, सर 25 एलसीएम ले लेंगे और 15 माइनस 3 करेंगे तो डेट इज 12/25, ये ए का न्यू शेयर आ जाएगा। जी सर। बी का भी ऐसे निकालेंगे, बी इज न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर 2/5 था, माइनस इसने सेक्रीफाइस कितना किया था, इसने सेक्रीफाइस किया 4/25, इसने 4/25 सेक्रीफाइस किया था, तो देखिए अब एलसीएम लेंगे, 25 आपका एलसीएम आ जाएगा और 10-4 दैट इज 6/25। इतना समझ में आता है बेटा सबको, ठीक है। तो आगे देखिए, सीज न्यू शेयर, न्यू रेशो तो तीनों में निकलेगा, तो सीज न्यू शेयर, देखिए ए का, ए ने कितना दिया था, सी का न्यू शेयर तो दे नहीं रखा है, लेकिन ए ने कितना दिया था, सर ए ने दिया था 3/25, नहीं देख लीजिए एक बार, हाँ 3/25 ए ने दिया था प्लस 4/25 बी ने दिया था, तो कितना हो गया टोटल 7/25। जी सर। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे बन जा रहा है इनके बीच में, तीनों के बेस सेम है 12, 6 और 7, अगर बेस सेम नहीं होंगे तो पहले बेस सेम करना है आपको। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए बी और सी कितना कितना है 12, 6 और 7, ये बेटा इनके बीच में क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जी सर। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। जी तो
देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने डिसाइड किया था कि टोटल प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 3 हिस्से ए रखेगा और 2 हिस्से बी रखेगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, ए ने अपने शेयर में से, यानी अपने शेयर में से नहीं, अपने शेयर का ऑफिशियल ना, ए ने अपने शेयर का 1/5 हिस्सा सी को दे दिया। तो सी का, ए का अपना शेयर कितना था, 3/5, इसने अपने शेयर का 1/5 इंटू कर देंगे इंटू 1/5, यानी 3/25 इसने सी को दिया। बी ने अपने शेयर का, बी का शेयर 2/5 था, उसने अपने शेयर का 2/5 हिस्सा सी को दे दिया, यानी कि 4/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 3:4 आ गया। फिर न्यू शेयर कैसे निकाला, ओल्ड शेयर में से हमने न्यू सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर दिया, तो इन दोनों का न्यू शेयर आ गया, और तीसरे पार्टनर का सी का शेयर में दोनों को प्लस कर देंगे, जितना ए ने दिया जितना बी ने दिया दोनों को प्लस करेंगे तो सी का शेयर आ जाएगा। तीनों के बेस सेम है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 12:6:7। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दीजिए। जी 10th नंबर क्वेश्चन हमने अभी किया, अब हम 11th नंबर क्वेश्चन करेंगे बेटा। जी देखिए, x एंड y शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। x और y दो पार्टनर्स हैं, वो 4:3 में शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस। z ने ज्वाइन किया। देखिए पहले क्या हुआ, x और y दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है 4:3, मतलब टोटल प्रॉफिट को 7 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें से 4 हिस्से x रखेगा और 3 हिस्से y रखेगा। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, अच्छा जेड एडमिट हुआ लेकिन उसका शेयर नहीं दे रखा, फिर उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है तीनों पार्टनर्स का। देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है। सर न्यू रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 7:4:3। कितना दे रखा है, 7:4:3, मतलब टोटल प्रॉफिट को 14 हिस्सों में बांटेंगे, एक्स 7 हिस्से रखेगा, वाई 4 हिस्से रखेगा और 3 हिस्से जेड रखेगा। तो यानी कि सर जेड का शेयर 3/14 है। जी बेटा, तो हमें देखिए ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है, सर कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई। जी सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए आपको सॉल्यूशन नंबर 11, ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का हमें दे रखा है 4:3, मतलब टोटल प्रॉफिट को 7 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 4 हिस्से एक्स रखेगा और 3 हिस्से वाई रखेगा। और सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है हमको एक्स वाई और जेड का, सर कितना दे रखा है एक बार देख लीजिए, बेटा 7/3। यानी कि टोटल प्रॉफिट को 14 हिस्सों में बांटेंगे, 7 हिस्से एक्स रखेगा, 4 हिस्से वाई रखेगा और 3 हिस्से जेड रखेगा। अच्छा, तो सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकालेंगे सर, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, यानी कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सर ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर अगर माइनस कर देंगे तो सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा, तो x सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड कितना था x का बेटा, सर 4/7 था, और x का न्यू शेयर कितना है सर, 7/14। जी सर, तो देखिए 14 यहां पे LCM आ जाएगा आपका, और 8-7 डेट इज 1/14। जी सर, सर y का सैक्रिफाइसिंग निकाल दीजिए, तो y इज सैक्रिफाइसिंग शेयर 3/7 इनका ओल्ड था y का, और इसका न्यू शेयर देखिए कितना था, 4/14 आपका LCM आ जाएगा,
और 6 माइनस 4 डेट इज 2 अपॉन 14। तो देखिए बेटा 1 अपॉन 14 और 2 अपॉन 14 दोनों के बेस सेम है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ जाएगा 1:2। सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन एक्स एंड वाई 1:2। जी सर, सर जेड का सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों नहीं निकाला? क्योंकि बेटा जेड नया पार्टनर है, उसको तो मिलेगा शेयर, उसको तो गेन हो रहा है, उसने सेक्रीफाइस नहीं किया है। सेक्रीफाइस किसने किया है? एक्स और वाई ने, जो पुराने या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे वही सेक्रीफाइस करते हैं, नए पार्टनर को तो बेटा गेन होता है, तो उसको उसका यहाँ पे इसलिए हम सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आता है बेटा सबको? और कोई आपको डाउट? ठीक है बेटा, चलो देखिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया है यहाँ पे, तो देखिए 12th क्वेश्चन है। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, मतलब टोटल प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 3 हिस्से ए रखेगा, 2 हिस्से बी रखेगा, और दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, और ए और बी ने, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको बराबर बांटा जाएगा, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। जी सर, तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 12, देखिए ओल्ड रेशियो ए और बी का हमें दे रखा है, डेट इज 3:2। जी सर 3:2 ही है, और सी को एडमिट किया गया है, सी इज शेयर डेट इज 1/4, 1/4 शेयर के लिए सी एडमिट हुआ है। तो बेटा इस सिचुएशन में जब भी हमें ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो इस सिचुएशन में हम क्या मान के चलते हैं? लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1, टोटल फर्म का शेयर 1 है। सर रिमेनिंग शेयर कितना निकलेगा? 1 में से 1/4 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा? 3/4। जी बेटा, तो देखिए आपको फिर से बताते हैं, जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार का है। ओल्ड रेशो ए और बी ने डिसाइड किया था कि वो आपस में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में, 3 हिस्से ए रखेगा, 2 हिस्से बी रखेगा, और नया पार्टनर सी आ गया जिसको हमें 1/4 शेयर देना है, लेकिन बताया नहीं है क्वेश्चन में कौन देगा। तो देखिए इस सिचुएशन में हम मान के चलते हैं कि टोटल फर्म का शेयर 1 है, यानी तीनों पार्टनर का शेयर हम कितना मान के चलते हैं? 1। 1 में से अगर टोटल शेयर फर्म का 1 है, टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से अगर मैं सी का हिस्सा हटा देता हूं तो बाकी हिस्सा किसके लिए बचता है? ए और बी के लिए। लेकिन ए और बी ने अब डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली डिवाइड करेंगे। पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि 3:2 में डिवाइड करेंगे, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि टोटल प्रॉफिट को कितने में, कितने इक्वल इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं अभी। जी देखिए एक बार फिर से, ए और बी दो पार्टनर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि टोटल प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 3 हिस्से ए रखेगा, 2 हिस्से बी रखेगा, और नया पार्टनर सी एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए। तो इस सिचुएशन में हम मान के चलते हैं कि टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1। तीनों का हम 1 शेयर प्रॉफिट का मान के चलते हैं। अब 1 में से अगर मैंने टोटल शेयर 1 माना है, 1 में से मैं नए वाले पार्टनर का सी का हिस्सा हटा देता हूं तो बाकी हिस्सा किसके लिए बचता है? ए और बी के लिए। लेकिन ए और बी अब डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे। ए और बी ने डिसाइड किया है जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स बचेंगे वो आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। जी सर। अच्छा, पहले उन्होंने क्या डिसाइड किया था? कि 3:2 में डिवाइड करेंगे। जी सर, तो आगे देखिए। ए
न्यू शेयर इक्वल्स टू, बचा कितना है, रिमेनिंग कितना है, 3/4, इसको बराबर बांटेंगे तो 1/2 ए रखेगा, तो 3/8 हो जाएगा ए का शेयर। बी इज न्यू शेयर, 3/4 को ये भी आधा रखेगा, तो मतलब 3/8। सी इज न्यू शेयर, सी का नया शेयर हमें दे रखा है 1/4। तो सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो तीनों के बेस सेम होना जरूरी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/8 आ जाएगा। अब इनके बेस सेम है तो 3, 3 और 2, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी दैट इज 3:3:2। जी सर, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। तो देखिए इसमें उन्होंने क्वेश्चन में बता रखा था कि जितना भी नया प्रॉफिट बचेगा फ्यूचर में, वो दोनों पार्टनर्स आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे। तो देखिए रिमेनिंग कितना बचा था, 3/4, उनको दोनों ने बराबर हिस्सों में बांटा, तो यहाँ पे आया था 3/8 ए के हिस्से में, 3/8 बी के हिस्से में, और 1/4 सी का शेयर दे रखा था। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाने के लिए सबके बेस सेम होना जरूरी है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यू इनके बेस सेम हो गए, तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 3:3:2। जब तक बेस सेम नहीं होंगे तब तक आप न्यू रेशियो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। जी सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सर ओल्ड शेयर ए इज सेक्रीफाइसिंग शेयर, सर ए का ओल्ड 3/5 था, सर न्यू इसका 3/8 है, तो सॉल्व करेंगे सर तो 24 - 15 इट इज 9/40। सर बी इज सेक्रीफाइसिंग शेयर, बी का ओल्ड 2/5 है और न्यू सर 3/8 है, तो 40 LCM हो जाएगा, 16 - 15 दैट इज 1/40। तो सेक्रीफाइस बेस सेम है सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा ए और बी के बीच में 9:1। जी सर, तो इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन करना था, हाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही था, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना था कि जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं वो 3:2 में नहीं बांटेंगे, इक्वल डिवाइड करेंगे। जी सर, तो देखिए अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए सिंह और किंग दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में उन्होंने डिसाइड किया है प्रॉफिट को बांटेंगे, और पुअर नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। अच्छा, जो सिंह और किंग है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ इक्वल डिवाइड करने की बात चल रही थी, यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है कि न्यू रेशियो आएगा, न्यू शेयर बचेगा, उसको फ्यूचर में 2:1 में बांटेंगे। तो जैसे मैंने अभी सेम क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है आपको, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, और 14 नंबर भी आप कर लेंगे। आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, फिर उसके बाद हम आपको देखिए 13, 14 और 15 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, फिर नहीं आएंगे तो हम आपको बताएंगे, और फिर हम आगे का जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रोसीड करेंगे। लेकिन आपने जो होमवर्क आपको मिला है वो करना जरूरी है आपके लिए, ताकि हमें पता लग सके कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपका 14 और 15 है, इसको कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए, पहले 14 को देख लीजिए, जी, और ये आपका 15 है, और ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो
स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा, फिर कल हम आगे के 15 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और अगर ये क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे तो ये भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपने होमवर्क जरूर करना है ताकि हमें आपकी परफॉर्मेंस पता लग जाए, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।